चंडीगढ़ शहर के बीचों बीच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 22 में बनेगा, जहां के पार्षद और नए मेयर रविकांत शर्मा है। सेक्टर 22 के लोगों सहित छोटे बच्चों को भी काफी लंबे समय से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर अर्जियां भेजी जा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा द्वारा इसे आगे चंडीगढ़ प्रशासन को भेजते हुए अप्रूवल करवा लिया गया है। जल्द ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 22 के स्कूल में बनाया जाएगा। देखिए, वहाँ सेक्टर 22 के RW ने एक चिट्ठी मुझे दी थी और बच्चे एक दिन काफ़ी सारे 22 सेक्टर के इकट्ठे होकर मेरे पास आए थे एक चिट्ठी लेके कि 22 सेक्टर में अभी सारे जो पार्क है वो ग्रीन बेल्टों के अलावा नेबरहुड पार्क भी डेवलप हो गया, तो वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने डिमांड करी थी कि 22 में हो सके तो एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो बनना चाहिए। तो मैंने उसका इनिशिएट लेते हुए उनके जो चिट्ठियाँ थी वो सारे अपने मैमो के साथ अपना जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है उनको फॉरवर्ड कर दिए और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही वो उस पर निर्णय लेंगे और 22 सेक्टर में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हुए जरूर बनाए। वहीं इस संबंध में सेक्टर 22 के लोगों को भी काफी खुशी मिल रही है। उनका मानना है कि यहां पर लोगों को शहर के बीचों बीच इस तरह की सुविधा मिलने से काफी फिटनेस से संबंधित सेवाएं मुहैया हो जाएंगी। ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी नीड है आजकल के बच्चों के लिए, बिकॉज कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमें हमारे पास नहीं है। जो पार्क डेवलप हुए हैं, जितने भी पार्क हैं, सब मेन इसमें खेलने के लिए कुछ नहीं है बच्चों के लिए। मैं पहले यहाँ पर जिम भी चला रहा था आपके कम्युनिटी सेंटर में, तो वो भी किसी प्रॉब्लम से बंद करा दिया गया था। तो ये ज़रूरी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला जाए। इसमें मतलब बच्चों की जो डेली एक्टिविटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसकी उपलब्धि हमारे एरिया काउंसलर जो आज की डेट में हमारे मेयर साहब बन चुके हैं, तो उनकी उपलब्धि ज़्यादा है कि उन्होंने हमारे एरिया के जो थे वेलफेयर एसोसिएशन ने जो थी लेटर दी थी कि काफ़ी जो थे बच्चे यहाँ के, क्योंकि ग्रीन बेल्ट आपने देखा होगा 22 में कितनी सारा ग्रीन बेल्ट हो गई है। हर एक बंदा ये चाहता है कि मेरे घर के सामने ग्रीन बेल्ट रहे, पार्क में अच्छा रहे, क्योंकि मेंटेन भी बहुत है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा गार्डन के अंदर लोग सैर भी बहुत करते हैं, ठीक है। और बच्चों की सुविधा ऐसी थी चंडीगढ़ में, आपने देखा होगा एक ही सेक्टर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 50 में, और एक ही और इतना दूर पड़ता था लोगों को कि एक चंडीगढ़ में बीच में भी एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, जिसमें कि हमारे एरिया के काउंसलर जो उनसे थे और मेयर आज की उन्होंने ये हमारा प्रस्ताव एसोसिएशन का कबूल कर लिया और इस चीज़ को आगे करके और आगे बढ़ाया है। वहीं रेजिडेंट वेलफेयर के सदस्य विजय शर्मा ने कहा कि उनके आसपास कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, और साथ ही अगर सेक्टर 22 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये सभी के लिए अच्छा होगा। एक तो बच्चे टाइमली उसमें खेलेंगे, उनका शारीरिक विकास होगा, और जो रेजिडेंट्स हमारे पार्क में बैठते हैं जो भी सैर करते हैं उनको बॉल नहीं लगेगी, घरों के हिस्से टूटते थे, खिड़की टूटते थे, वो कंप्लेंट्स आती थी आए दिन, वो भी हमारी बहुत कम हो जाएंगी। और शारीरिक विकास जो बच्चों का हमारा इसी खेलने दौड़ने से ही होता है, डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं बच्चे, दूर निकलते हैं घर से, थोड़ा सा एक्टिविटी में लेते हैं ताकि किसी स्पोर्ट्स में भी हमारे नेशनल लेवल पर भी वो खेल सकते हैं, ताकि उनको प्रॉपर स्थान अगर स्पोर्ट्स का मिलता है तो वो प्रोग्रेस अपने इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कितने वक्त में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाता है और चंडीगढ़ वासियों को यहाँ पर मिलने वाली सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाती हैं। पंजाब के सिटी वी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।